वेरी गॉर्जियस श्रद्धा कपूर, सिद्धांत कपूर एंड अंकुर भाटिया ऑन स्टेज प्लीज. प्लीज आइए. Let's have a quick photo op before I move into questions. Stage pe thodi si light badha sakte hain please. Thank you so much. Please settle down. Sabse pehle to hats off to all of you. इतना पावरफुल ट्रेलर, आई थिंक 2017 में पहली बार ऐसा महसूस हुआ है हमें कि सच में जान निकल जाएगी ये फिल्म देखते हुए. द लास्ट 5 सेकंड्स ऑफ द ट्रेलर, श्रद्धा, मैं वहां पर खड़े होकर के ताली बजा रही थी खुद. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज अमेजिंग, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट. इट्स ऑल हिम. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू आस्क यू सबसे पहले, अपूर्व, या ही डिजर्व्स इट, जोरदार तालियां हो जाए. मुंबई के दो पहलू हैं, एक जो हम सब लोग देखते हैं और दूसरा एक बहुत ही डार्क पहलू है. हमने जिस तरह की आपकी फिल्में देखी हैं पिछले 10-11 सालों में, तो हमें हमेशा ऐसा महसूस हुआ है कि यू नो यू हैव दिस फैसिनेशन टुवर्ड्स द डार्क साइड ऑफ मुंबई. इज दैट ट्रू एंड व्हाई सो? आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव अ गैंगस्टर इन अस. ओह रियली? सो नो, मैं मुंबई 2000 में आया था और जो मुंबई की हिस्ट्री है वो बहुत ही इंट्रीगिंग है. जो मुंबई की गलियां हैं, जो मुंबई की सड़कें हैं, जिसके बारे में हमने सुना था जब हम बड़े हो रहे थे, तो दैट इज़ वेरी इंट्रीगिंग. और कॉन्शियसली नहीं, लेकिन लोग मेरे को ऐसी स्क्रिप्ट ऑफर करते हैं बिकॉज दे थिंक इट्स माय जॉनर. और मुझे ऐसी पिक्चर बनाने का मज़ा आता है क्योंकि इसमें रिसर्च काफ़ी जाता है. इसमें रियलिस्टिक स्टोरी जैसे शूट आउट या एक अजनबी या अभी हसीना पारकर, तो उसमें रिसर्च करने का मज़ा आता है. जो एक्चुअल लोकेशन है उसको डुप्लीकेट करने का मज़ा आता है. और कैरेक्टर्स जो पिक्चर में लेते हैं तो वी ट्राई एंड मेक देम सिमिलर टू द रियल लाइफ कैरेक्टर्स. बट दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मुंबई बिकॉज इट्स सच अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी. और उसमें ग्रे शेड्स हैं, देयर रिच, देयर पुअर, वी आर ऑल लिविंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड. एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट आर सिटी, एंड आई लाइक टू पोर्ट्रे दैट ऑन स्क्रीन. यू नो एक्चुअली आई हैव टू टेल यू, हम मुंबई में ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पर हम ये रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि छोटी छोटी गलियों में कितनी कहानियाँ हैं और क्या क्या हो रहा है. ये हमारा ही शहर है, ये आमची मुंबई है और यहाँ पर ये सब हो रहा है. सो थैंक्स टू यू वी एक्चुअली गेट एन आइडिया. यू ओपन अ विंडो फॉर ऑल ऑफ अस कि ये भी मुंबई है. Not these streets. Now they're safer. I know that, absolutely. अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी मिसेज नाहिद खान कि साल 2017 जो है वो रहा है फीमेल ओरिएंटेड, विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स का, एंड वंस अगेन वी हैव हसीना पारकर. सो क्या अलग है जो कि इस फिल्म के साथ में आप लोगों को दे रहे हैं? इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है जी. और पिक्चर सब अलग होते हैं बट इट्स नॉट जस्ट वुमेन ओरिएंटेड, बट इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है. और यू नो श्रद्धा इज मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस इन दिस इंडस्ट्री. शी हैज डन अ वेल डन जॉब. Thank you so much, Mrs. Naid. Shraddha, आपसे जानना चाहते हैं, यू नो द लास्ट टाइम आई मेट यू, यू वर एक्चुअली इन द फेज जब आप हसीना पारकर के उसमें से बाहर आ रहे थे गेटअप में से, एंड यू वर ट्राइंग टू लूज वेट एट दैट टाइम, एंड यू टोल्ड मी हाउ डिफिकल्ट इट इज एंड हाउ अनहेल्दी इट वॉज टू एक्चुअली पुट ऑन वेट एंड देन लूज वेट. यू लुक कम्प्लीटली डिफरेंट. कैसे मैनेज किया आपने ये ऑन स्क्रीन? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. And thank you so much to everyone to come all the way here to this iconic cinema. ये जो मराठा मंदिर है, बहुत ही special feeling महसूस हो रही है इस वक्त कि इतने iconic theatre में हमारा trailer launch हुआ है. And I know कि rains की वजह से कभी कभी inconvenience भी महसूस होती है. So thank you so much for coming to each and every one of you, to the photographers, to the media people. To everybody, thank you for ये effort लेने के लिए. And मेरे लिए of course शब्दों में express करना काफ़ी difficult हो जाता है, क्योंकि ये जो experience रहा है मेरे लिए, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अपूर्वा सर ने जिस दिन मुझे ये फिल्म offer की, उनके उनके विचार में मैं आई to play this role, to play this character,
पहली बार इतना अलग किरदार निभा रही हूँ, तो मैं आई जस्ट वॉन्ट टू से अ बिग थैंक यू टू हिम, क्योंकि आई डोंट थिंक कि एक तो एक बात है कि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि एक होता है जैसे आपने कहा कि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यू नो समवन इज सीन इन वन टाइप ऑफ अ रोल, राइट, एब्सोल्युटली. एंड मैं बहुत बहुत ही, मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है, खास करके क्योंकि ये जो हसीना है जिनके बारे में लोग जानेंगे कि इस औरत पे क्या क्या बीती है उनके लाइफ में, एंड टू बी एबल टू प्ले दैट, यू नो इट्स बीन अ वेरी इमोशनली चैलेंजिंग एक्सपीरियंस. एंड आई जस्ट होप कि सबको ट्रेलर पसंद आए एंड पीपल एंजॉय द फिल्म एज वेल. थैंक यू सो मच श्रद्धा, थैंक यू.